Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in maths we have started addition, chapter 2 addition. And I hope your studies are going well, you all are practicing the exercise. But I have seen in your notebooks that most of you have not completed all the exercises, in book also. Because in maths so far maximum exercises were to be done in books. And some of you have not yet completed, so do complete those exercises and then start chapter 2. Chapter 2 also we have done many exercises like two digit addition using expanded form, two digit addition that in vertical way, vertical form. Then we have done three digit addition using expanded form. Then three digit vertical addition also we have done. Then addition stories we have done, and recently we have started addition with regrouping, addition with regrouping, and regrouping from ones to tens that we have done in the previous video. I have explained you how to regroup from ones to tens. वंस से टेंस में कैसे हम रीग्रुप करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और एक हमने एक्सरसाइज की थी. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टू डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग. टुडेज टॉपिक इज टू डिजिट numbers with regrouping. Okay, कैसे इसकी हम regrouping करेंगे, कैसे add करेंगे, पहले कुछ हम questions में आपको समझा देती हूँ. चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है ऐड 39 एंड 46. ओके, 39 एंड 46 को हमें ऐड करना है. नॉर्मली व्हाट वी डू, 39 प्लस 46 ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना. अब क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसकी रीग्रुपिंग करेंगे. अब इसमें 9 वंस है और 3 क्या है, 3 इज टेंस. सो विल राइट हियर 3 टेंस प्लस 9 वंस. ओके, नेक्स्ट है ये 6 वंस है एंड 4 टेंस है. सो वी विल राइट 4 टेंस एंड 6 वंस. इतना क्लियर हो गया, हमने सबको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपैंड कर लिया. चलिए अब क्या करेंगे, पहले वंस वंस को हम प्लस कर लेते हैं. लेट्स ऐड वंस, 9 प्लस 6, आपको 9 और 6 को ऐड करना है. 9 इज़ अ बिगर नंबर, 6 इज स्मॉलर देन 9, इट इज़ लेस देन 9. 9 को रखिए माइंड में, 9 को माइंड में रख लीजिए, 6 को फिंगर्स पे ले लीजिए. चलिए कीजिए ऐसा, 9 को माइंड में लीजिए, 6 को फिंगर पे लीजिए और 9 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए. 9 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए, जो आपने 6 लिया है ना फिंगर पे, उससे. 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 6 है ना, ये 5 और एक 1, 6 हुआ, 5 और 1, 6. तो 9 के आगे से गिनेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. क्या आया हमारा, 15 वंस है. 3 और 4 को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 4 को माइंड पे रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए. 4 माइंड में है, 4 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए. 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 7, 10. यहाँ तक आपको समझ में आया,
हमने किस तरह से प्लस किया, वंस वंस को प्लस किया और टेंस टेंस को प्लस किया, ठीक है। अब हम इसको इसकी रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये सेवन तो टेंस ठीक है, 15 जो है कैसे बनता है, 15 कैसे बनता है, 1 5 15, 15 इज़ अ टू डिजिट नंबर, 15 क्या है, टू डिजिट नंबर है ना। तो ये वंस है और ये टेंस है, टू डिजिट नंबर में एक वंस होता है एक टेंस होता है, मतलब 5 वंस है और ये 1 क्या है, टेंस है, 1 इज टेंस, ये वाला 1 टेंस है, ये 5 है, 5 क्या है, वंस है। बताया था ना मैंने अपने कल के वीडियो में कि हम कैसे बोलते हैं 15 जो है वो 10 और 5 से बना है ना, 10 और फिर उसमें हमने जब 5 मिलाया तो बना 15। तो कितने 10 आपको यहाँ दिख रहे हैं, 110 है ना, ये 110 है। तो हमारे पास हुआ 110 और 5 वंस, है ना, ये 1 क्या है, टेंस है और 5 वंस है। इतना समझ में आया, अच्छा। अब देखिए ये भी टेंस है और ये भी टेंस है, दोनों टेंस हैं। 7 टेंस है उसमें एक और टेंस मिला दीजिए, क्योंकि दोनों टेंस टेंस है ना, तो 7 टेंस और 1 टेंस कितना हो गया, 8 टेंस और 5 वंस, 5 वंस। अब समझ में आया, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर 39 प्लस 46 इज 85, ओके। अभी एक और एग्जांपल हम देख लेंगे, परेशान मत होइए, अभी 2-3 एग्जांपल मैं और आपको दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। इसको इरेज कर देते हैं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एड 48 प्लस 57, चलिए या इसको हम यहाँ पे 27 कर देते हैं, 48 प्लस 27 को हमें ऐड करना है। सो व्हाट विल डू, विल राइट फर्स्ट 48 और उसके नीचे लिखेंगे 27, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो पहले हम इसको प्लेस के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लेते हैं, 8 वंस है, 4 क्या है, टेंस है, 4 टेंस है और उसमें 8 वंस है, इधर क्या है, 2 क्या है, टेंस है और 7 क्या है, वंस है ना, 7 वंस है और 2 टेंस है, 2 टेंस एंड 7 वंस, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया हमने, 7 वंस है और 2 टेंस है ना। अब वंस वंस को प्लस कीजिए, 7 प्लस 8 को करना है हमें, 7 प्लस 8 करना है, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8 है, 8 को रखेंगे माइंड में और 7 को रखेंगे फिंगर पे, 5 और 2 ले लीजिए तो हो जाएगा 7, 5 एंड 2 7, 8 कितना है, माइंड में है, माइंड में 8 है ना, 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14 15, फिर से हमारा क्या आया, 15, 4 और 2 को ऐड कीजिए कितना आएगा, 4 एंड 2 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टेंस, ओके। अब फिर से 15 जब आया है तो इसको देखिए, 15 वंस है, ठीक है, तो ये 15 वंस, मतलब मैंने आपको कल बताया था ना, 15 वंस कितने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 1, 15 वंस, इसमें 10 का एक ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हमने 10 निकाल लिया, कितने 10 हम निकाल पाए, एक ही 10 निकाला हमने, एक ही 10 निकला ना, तो 10
ये 1 10 है, 1 2 3 4 5 और 5 1s है, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, 5 1s है और 1 क्या है 10s है ना। हम कैसे लिखते हैं, 10 + 5 ही तो 15 होता है ना, तो यहाँ पे कितने 10 हैं, 1 10 है, तो हम लिखेंगे 1 10s + 5 1s है ना इसको, और साथ में है 6 10s, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 10s + 5 1s therefore 48 + 27 = 75। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक इट फ्रॉम योर बुक ओनली, आपकी बुक से ही ले लेते हैं। आपकी बुक से ही हम एक और नंबर ले लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज एड 43 + 39। ओके, सो विल राइट 43, विल राइट 39 और इसको प्लस करेंगे। तो पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, 3 1s है, 4 10s है, ठीक है, 3 1s है और 4 क्या है 10s है, यहाँ पर 9 1s है और 3 10s है, 1s 10s, 9 1s and 3 10s। अब ये ऐसे हम ऐड करेंगे, सम मतलब प्लस करना, 9 + 3, 9 को माइंड में लिखिए और 3 को अपने फिंगर पे ले लीजिए, 9 को माइंड में और 3 को फिंगर पे लीजिए और काउंट करके देखिए कि कितना आता है, जस्ट काउंट 9 + 3, 3 फिंगर पे है आपके, 9 के आगे से गिनिए, 9 के बाद क्या आता है 10 11 12 आता है ना, 9 + 3 12, 12 1s हो गया, 4 + 3, 4 को माइंड पे रखिए और 3 को फिंगर में रखिए, 4 माइंड में है, 4 के आगे से काउंट कीजिए, 4 के आगे से 5 6 7, 7 10s, ठीक है। अब ये जो 12 1s है ये किससे बना है, 2 1s है इसमें और 1 क्या है 10s है ना, ये 1s ये 10s, 1s 10s, सो 2 1s है और 1 क्या है 10s है, 7 10s तो पहले से ही है, 7 + 1 कितना हो गया, 7 + 1 8, 8 10s हो गया, 7 और 1 8 हुआ ना, ये 7 और ये 1 8 10s and 2 1s, ओके, ये इक्वल टू का साइन है। सो therefore 43 + 39 = 82, 8 tons and 2 ones, 82, ओके, कुछ थोड़ा समझ में आया यहाँ पर, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में है, ये 2 1s हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अभी भी है थोड़ा रिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है ये, एक्चुअली बोर्ड पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता ही है, यहाँ लिख देते हैं 2, ओके 1s, अब दिख रहा है 2 1s, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है, और 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं।
चलिए ऐड, क्या ऐड करना है, 36 + 57, ओके, सो लेट्स राइट 36 + 57. 36 को एक्सपैंड करते हैं, वंस टेंस, सो 3 क्या है, टेंस है, और 6 है वंस. नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस, टेंस वंस, सो 5 इज टेंस एंड 7 इज वंस. लेट्स ऐड 6 + 7 कितना होता है, 7 को माइंड में रखिए और 6 को फिंगर पे रखिए, ठीक है, कितना आएगा, 7 को माइंड में रखा है, 6 को फिंगर पे रखा है, 7 के आगे से गिनना है, 8 9 10 11 12 13, कितना आएगा, 13, वी विल राइट हियर 13 वंस. 5 + 3 बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, 5 को माइंड में रख लीजिए और 3 को फिंगर पे रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए, 5 को माइंड में, 5 के आगे से गिनिए, 5 के आगे से गिनेंगे 6 7 8, 8 टेंस. अब यहाँ देखते हैं, ये 13 टू डिजिट नंबर है, ये वंस है, ये टेंस है, वंस टेंस, टेंस कितना है, 1, तो 1 क्या है, टेंस है, और 3 वंस है ना, वंस है, ये टेंस है, और हमारा पहले का 8 टेंस तो है ही, तो अब क्या करना है, 8 + 1, ये 8 और ये 1, 8 और 1 को ही क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टेंस टेंस हैं, 8 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 9 टेंस प्लस 3 वंस, ओके, देयरफॉर 36 + 57 = 93, ओके. चलिए और देख लेते हैं, एड 73 + 19, 73 और 19 को अब ऐड करना है, 73 + 19, अब इनकी प्लेस वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, 3 वंस है और 7 टेंस है, 7 इज टेंस एंड 3 इज वंस, हियर अगेन 1 इज टेंस एंड 9 इज वंस, तो 1 टेंस 9 वंस. नाउ लेट्स सम, सम करना मतलब ऐड करना, ओके, नाइन प्लस थ्री को माइंड में रखिए और 3 को फिंगर पे रखिए, 9 को रखिए माइंड में, 3 को रखिए फिंगर पे, माइंड में कितना है, माइंड में है 9, फिंगर पे कितना है, 3, 9 के आगे से गिनिए, 10 11 12 12 ones, 7 7 + 1, यू नो दैट 7 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जिस नंबर के साथ ऐड करते हैं उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है, तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8, हमें मिलेगा 8 टेंस, लेकिन अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 2 दो हैं और ये 2 डिजिट नंबर हैं, इसमें 2 जो है वो क्या है, वंस है और ये टेंस है, वंस टेंस,
वंस टेंस, वैसे भी 12 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 2 लिखते हैं 12, है ना। तो कितने 10 हैं हमारे पास, एक ही 10 है, 1 10 है, और 2 कितना है, वंस है। टोटल क्या हो गया यहाँ पर, 8 tens है, है ना। तो 8 plus 1 कितना हो जाएगा, 8 tens और 1 tens, 9 tens और 2 ones, so therefore 73 plus 19 equal to 92. समझ में आया, यू कैन नोट दिस, इसको समझ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे दैट यू कैन डू। और फिर समझने के बाद इसे बिना देखे करने की कोशिश करना है। चलिए नेक्स्ट, ऐड 58 plus 9। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दैट दिस इज 2-digit number, दिस इज 1-digit number। चलिए दोनों को पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, 58 plus, अब इस 9 को कहाँ लिखेंगे, 8 के नीचे लिखेंगे कि 5 के नीचे लिखेंगे, 8 के नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वंस है और वंस को वंस के नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको वंस को वंस के नीचे ही लिखेंगे। नाउ लेट्स एक्सपैंड इट, ठीक है। अब इसमें ये वंस है और ये टेंस है, 5 is tens, 8 is ones। अब ये जो नंबर है यहाँ पे वंस तो है पर टेंस नहीं है, तो टेंस में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, टेंस हमारा 0 है, कुछ नहीं है। और वंस कितना है, 9 ones है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 8 plus 9, 8 और 9 को ऐड करना है। बिगर नंबर कौन सा है, 9 है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8 है। 8 को आप फिंगर पे रख लीजिए, ठीक है, 8 को फिंगर पे लीजिए और 9 के आगे से गिनिए, 9 के आगे क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 plus 9 is 17। सेवनटीन वंस। टेंस कितना है हमारे पास, 5 के साथ 0 ऐड किया है तो 5 ही रह गया, है ना। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से हमको वही नंबर मिल जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर फिर से 2-digit number है, एक वंस है एक टेंस है, 17 कैसे लिखते हैं, 10 plus 7, कितने 10 है, 1 10 है। वंस कितने हैं, 7 है, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये वंस है ये टेंस है, ठीक है, तो 1 क्या है, टेंस है, और 7 क्या है, वंस है, 5 क्या है, टेंस है, 5 plus 1, 5 plus 1 is 6, तो टेंस कितने हो गए, 6, और वंस कितना है, 7, 7 ones, तो हम लिखेंगे therefore 58 plus 9 equals to 67। ये वाला थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ गया, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ, 6 10, ठीक है। चलिए यू कैन नोट डाउन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वट एवर वे यू कैन डू इट, ठीक है। चलिए
चलिए अब एक और मैं आपको करा देती हूँ, ये बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। 48 प्लस 38, ठीक है, चलिए लिखते हैं 48 38। एक्सपेंड करते हैं इसको, 4 क्या है, टेंस है, 8 क्या है, वंस है। 4 टेंस प्लस 8 वंस, हियर 3 टेंस 8 वंस, 3 टेंस एंड 8 वंस। नाउ सम प्लस करना है, क्या आएगा, 8 और 8 को प्लस कीजिए। अब दोनों नंबर सेम हैं तो किसी भी 8 को आप माइंड में ले लीजिए और दूसरे 8 को फिंगर पे रखिए, दोनों में से कोई भी एक 8 जो है माइंड में रख लीजिए, दूसरा 8 हमारे फिंगर पे है, तो जो माइंड में 8 है उसके आगे से गिनेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया 16 आया ना, 16, तो हम लिखेंगे 16 वंस। 4 प्लस 3, 4 को माइंड में रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए, 4 के आगे से गिनिए, 5 6 7, 7 टेंस। अब यहाँ पे फिर से 2 डिजिट नंबर है तो क्या करना है, ये वंस है और ये टेंस है, 6 क्या है, वंस है, और 1 क्या है, टेंस है, 1 टेंस है, है ना, 10 प्लस 6 कितने 10 है, एक ही 10 है, तो हम लिखेंगे 1 टेंस प्लस 6 वंस, और ये हमारा 7 टेंस तो है ही, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1, आपको मैंने बताया ना 1 को जिस भी नंबर में आप ऐड करेंगे उस नंबर का नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है, तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 8 टेंस, 6 वंस, 8 टेंस एंड 6 वंस। Therefore, 48 plus 38 equals to 86. I hope अब आपको ये समझ में आ गया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है ना? चलिए ऐसे कुछ questions मैं आपको homework दे देती हूँ, you can do practice of those questions, ठीक है, आप homework की तरह इसको note कर लीजिए और आप करके देखिएगा, मैं आपको एक्सपैंड करके दे देती हूँ। क्वेश्चन है 57 प्लस 36, तो 57 प्लस 36 डैश टेंस प्लस डैश वंस डैश टेंस प्लस डैश वंस सम डैश टेंस प्लस डैश वंस ओके इक्वल टू डैश टेंस प्लस डैश टेंस प्लस equal to ओके पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में है तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ कि आपको दिख जाए वो टेंस, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, इधर इधर पहले एक्सपैंड करना है, फिर ऐड करके लिखना है,
फिर यहाँ पर जो वंस आएगा उसको स्प्लिट करना है टेंस और वंस में, टेंस को टेंस के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, और जो वंस बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए करने का, डू इट योर सेल्फ, इसे आप खुद से करेंगे, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, एंड वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।